नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपकी क्लासें कवर की जा रही हैं। और एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आप देखिए कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हों, तो ये सभी क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और इन सभी क्लासों को हम लोग MPPSC का लेवल ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा कि आपके और भी जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे आप सोचिए MP पुलिस, MP दरोगा SI की बात कर रहा हूँ, या MP पटवारी, या आप देखते हैं कि शिक्षक भर्ती भी आपके यहाँ होती रहती है वर्ग 1, 2, 3 की, तो ये सभी आपकी कवर हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि इन सभी क्लासों को आप लोग कवर कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग, सरल शब्दों में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे। और इसके लिए एक आपकी प्लेलिस्ट सूची सेपरेट बना दी गई है, मध्य प्रदेश MP स्पेशल GK कंप्लीट क्लासेस के नाम से। फिर से सुन लीजिए आप लोग, MP स्पेशल GK क्लासेस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है। और एक जानकारी और आप लोगों से बोल देता हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा थोड़ा, आप लोग जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, उसका आप लोग सिलेबस अपने पास रखिए और कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर भी अपने पास रखिए। उन्हें 2 से 3 बार आप लोग पढ़िएगा, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक बार आप लोग मध्य प्रदेश का मैप देख लीजिए, फिर हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। एक तरह से आप सोचिए कि मध्य प्रदेश का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं। और आज की इस क्लास से हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चंस हर परीक्षाओं में इस टॉपिक से आते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे देखने के पहले आप लोग इसे भी देख सकते हैं। देखिए, आप देखते हैं हृदय प्रदेश कहते हैं ना मध्य प्रदेश को आप लोग, ये बीच में होने के कारण आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और आप सभी को मालूम होगा कि जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। लेकिन सन 2000 में आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से, तो उसके बाद अब राजस्थान का नंबर आता है और दूसरे नंबर पर आप लोग क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान है। और यहां आप लोग मुझे लगता है कि बेहतर समझ पाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इन सभी जिले आपके दिखाई दे रहे हैं, 52 जिले। यहां मुरैना से आप लोग शुरू करिए, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, गुना, उसके बाद आप देखिए कि विदिशा के बाद सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, और फिर आप देखेंगे जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर आप देखेंगे रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, भोपाल, और ये विदिशा सागर हो ही गए, राजगढ़, शाजापुर, हरदा, ये खंडवा, पूर्वी निवाड़, बुरहानपुर, खरगोन, पश्चिमी निवाड़, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, मालवा, ये आपके 52 टोटल जिले हैं। देखिए, एक करक रेखा 23.5 डिग्री करक रेखा जा रही है आपकी और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। ये आप देखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, केवल मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से जाती है, सिंगरौली से। ये क्वेश्चन से भी कई बार आपका पूछ लेता है। अब बात करते हैं इसी मध्य प्रदेश के बारे में, हमें बात करनी है कि आखिर कब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और इसके तमाम नाम भी हैं, नदियों का मायका भी कहता है कोई इसे आप देखते हैं कि सोया प्रदेश भी कहता है, टाइगर प्रदेश भी कहता है। तो मध्य प्रदेश का एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं इस क्लास में। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता है, आप लोगों के मन में भी रहता होगा कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब होता है। तो आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के नाम से MP के नाम से एक राज्य का गठन होता है। कब? 1 नवंबर 1956 को। और इसीलिए आप देखते हैं कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में भी आप लोग मनाते हैं। किसके?
मध्य प्रदेश दिवस के रूप में भी आप लोग मनाते हैं। ये छोटे छोटे हैं लेकिन याद रखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को। और इस समय आप देखेंगे तो आपका क्या है, मध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है। फिर आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और 1 नवंबर, 1 नवंबर सन 2000 में इसका पुनर्गठन होता है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया, छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य बना दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, इन दो डेटों को आप लोग याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की अगर आपसे बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि भोपाल इसकी राजधानी है। क्या है? भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? ये तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने मध्य प्रदेश नाम दिया था हमारे राज्य को, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, या पूछे आपसे हृदय प्रदेश किसने कहा था मध्य प्रदेश को, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि आप सभी देखेंगे अगर मध्य प्रदेश के मैप को, अगर आप देखें भारत के मैप को, तो आपको मध्य प्रदेश बीचों बीच में देखने को मिलेगा। जिस तरह से हमारे शरीर में देखते हैं ना आप लोग कि हमारा हृदय बीच में होता है, तो उसी तरह से मध्य प्रदेश भी आपका बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे इसका नाम मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश कहते हैं आप लोग। फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि मध्य प्रदेश की भाषा क्या है, मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है, मध्य प्रदेश की राज्य भाषा क्या है बताइए। तो मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। अगर आपको आया करे तो आप लोग बता दिया करिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। अब आपसे अगर एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है, राज्य पशु क्या है मध्य प्रदेश का, राज्य पशु की बात हो रही है, तो ये है आपका क्या है, बारह सिंगा। और इसका एक और नाम है, आप लोग इसे जानते होंगे कि बारह सिंगा भी कहते हैं इसे। इसे आप लोग रो क्या कहते हैं, आप लोग इसे कहते हैं कि रूस वर्ष दुआ उसीली, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है, बारहसिंगा, रूस वर्ष दुआ उसीली। और ये आपको देखने को मिलेगा, आप सभी जानते हैं कि बेडरी प्रजाति का है। और कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं ना मंडला में आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प की बात हो रही है, तो याद रखिए एक पुष्प है आपका लीली। और इसे एक और नाम से आप लोग जानते हैं, लीलियम कैंडिमम, लीलियम कैंडिमम, क्या कहते हैं, कैंडिमम। और इसका बता दूं, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। वो लगभग आप देखिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिल देगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य क्या है, नृत्य, राई सुने हो आप लोग, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है राई। और बुंदेलखंड में खासकर आप जाएं तो आप लोगों को ये एक तरह से आप देखिए कोई भी त्योहार होता है, कोई घर में अगर फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो राई जरूर होती है बुंदेलखंड में। और इसमें आप देखते होंगे कि बेडनी आप लोगों ने शब्द सुना होगा, विदूषक, विदूषक आप लोगों ने देखा होगा। ये लगभग मध्य प्रदेश में हर जो भी शुभ अवसर रहता है उस पर होता है, ये करवाया जाता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि एक और आपसे पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, क्या राज्य पक्षी क्या है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि दूधराज, आप लोग सुने दूधराज,
जिसे आप लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे साहे बुलबुल भी कहते हैं। अमित साहे नहीं, साहे बुलबुल, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप लोग ट्रक, वैसे तो ट्रक में मैं भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, दूधराज या साहेब बुलबुल, या फिर ऐसे टारफिस फोन भी कहते हैं। और ये आप देखेंगे लगभग आपको देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में, ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य आप लोग सुने हैं, इस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर अगर हम लोग बात करें कि आपके मध्य प्रदेश के बारे में, कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है, मलखम्ब के बारे में सुने हैं? मध्य प्रदेश का राज्य खेल की बात हो रही है, मलखम्ब। मलखम्ब के बारे में सुने हो? तो मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, मलखम्ब अकादमी कहाँ है? तो उज्जैन में मलखम्ब अकादमी देखने को आपको मिलेगी। और मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राज्य खेल खेल कब घोषित किया गया था? 9 अप्रैल। कब? 9 अप्रैल 2013 को। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का खेल कौन सा है, मलखम्ब। आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में मलखम्ब अकादमी कहाँ है, तो याद रखिए उज्जैन में है। उज्जैन में आप देखते हैं महाकालेश्वर मंदिर भी है, और आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो आपका उज्जैन है ना, ये क्षिप्रा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और इसे 9 अप्रैल 2013 में मध्य प्रदेश का खेल घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश राज्य का नाट्य क्या है, क्या नाट्य क्या है, तो ये है क्या है, माचा, ठीक है। और ये आप देखेंगे मालवा क्षेत्र में काफी पॉपुलर रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राज्य मछली क्या है, अब देखिए मध्य प्रदेश नहीं लिख रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हैं। तो मध्य प्रदेश की मछली की, अगर हम लोग राज्य मछली की बात करें, तो महा शीर प्रजाति की मछली है, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसे आप लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? टोरा, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम आप लोग कह सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये नर्मदा नदी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 2011 में, कब? 2011 में मध्य प्रदेश की मछली के रूप में महाशीर प्रजाति को घोषित किया गया था। ये भी आपका क्वेश्चन अगर बनता है तो आप लोग मुझे लगता है कि बेहतर आंसर देख पाएंगे। अगर आपसे पूछे कि देखिए राज्य वृक्ष क्या है, वृक्ष भी आप लोग देखते होंगे, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए बरगद है। क्या है? बरगद है। और बरगद तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में काफी पवित्र एक तरह से वृक्ष है, पेड़ है, और आप सभी जानते हैं कि इसे इसकी पूजा करते हैं हम लोग। और बड़ी अच्छी, गांव की तरफ तो आप देखेंगे बड़ा अच्छा छांव देता है, और इसकी छांव में आप सोचिए पहले के जमाने में क्या करते थे लोग, इसकी पूजा भी करते थे, और बैठकें भी यहाँ होती थी। क्या होती थी? बैठकें भी होती थी, पंचायत की बैठक भी यहाँ लगती थी, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसका एक और नाम है इसे, और बरगद तो है ही, ठीक है, फाइकस बैंग गैलेंसियस भी कहते हैं इसे, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका उपचार भी आप देखेंगे, उपचार के रूप में इसका उपयोग औषधि बनाई जाती है इससे। अगर आपसे पूछे कि राज्य की फसल क्या है, तो मुझे तो लगता है कि फसल तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, फसल है सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन भी कहते, सोया प्रदेश भी कहते हैं, और इसे आप लोग गिलाई गिलाई सिंह ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए आजकल आप लोग सब्जी वब्जी बनाते हैं तो सोयाबीन के तेल का प्रयोग होने लगा है, ठीक है, पहले आप देखते थे सरसों के तेल का प्रयोग होता था, और आजकल लेकिन आप सभी जानते हैं कि महंगा हो गया है सरसों का तेल। और एक खासकर आप देखेंगे मालवा के क्षेत्र में आपको काफी इसका उपज देखने को मिलेगा सोयाबीन का। अगर आपसे पूछे कि राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का फल क्या है,
हल्के रूम में किसे घोषित किया गया? तो ये सभी जानते हैं कि आम है। क्या है? आम है। और मुझे लगता है कि आम आप लोगों को काफी पसंद भी रहता है, और पसंद भी रहता है, कई तरह के आम भी आते हैं। क्या आते हैं? आम भी आते हैं, मैंगी फेरा, इंडिका इसका एक नाम है, ठीक है। जैसे इस रूम में भी आप लोग जानते हैं, और लगभग आप देखिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश की जब 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, कौन सी? 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। ये कब? ये बात है 1 नवंबर 1981 की। तो इस दिन क्या हुआ बताइए। तो आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1981 को वर्षगांठ मनाई जा रही थी 25वीं, इस दिन राज्य का पक्षी और राज्य का वृक्ष घोषित किए गए थे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का जो पशु है बारहसिंघा, या फिर मध्य प्रदेश का जो पक्षी है दूधराज साहब, या आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का जो वृक्ष है बरगद, इन्हें मध्य प्रदेश ने पशु पक्षी और वृक्ष के रूप में कब घोषित किया था? 1 नवंबर 1981 को। अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप आपसे ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में जो पशु है बारहसिंघा, इसे मध्य प्रदेश ने अपना पशु घोषित कब किया था, राज्य पशु, तो 1 नवंबर 1981 को। इसी तरह अगर आपके साहेब बुलबुल के दूधराज के बारे में अगर पूछे, दूधराज के बारे में कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज कब घोषित किया गया था, 1 नवंबर 1981। बरगद को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, 1 नवंबर 1981। तो ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ चुका है। अब आप जिन जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह की बात होती है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात की जाए तो आप सभी को इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य की जब स्थापना हो जाती है, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह घोषित किया जाता है। और इसमें आप देखेंगे 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गेहूं और धान की बालियां आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को एक बार फिर से याद रखिएगा, 24 स्तूप का जो आप देखते हैं ना, तो इसमें आपको 24 स्तूप आकृति आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक आपको व्रत भी देखने को मिलेगा, जो सतत और तरक्की और विकास की असीम संभावना का द्योतक माना जाता है। और इसके भीतर मध्य प्रदेश शासन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे सत्यमेव जयते भी इसमें लिखा रहता है। और साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें जो गेहूं और धान है, इसकी बालियां भी आपको देखने को मिलेगी। और केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य के राज्य वृक्ष बरगद को भी दर्शाया गया है, तो इसको भी याद रखना चाहिए। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश का गान क्या है, एमपी का गान, मध्य प्रदेश गान, तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गान क्या है, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का गान है, ठीक है। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश मेरा जो मेरा मध्य प्रदेश जो गान है, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं महेश श्रीवास्तव जी, महेश श्रीवास्तव जी, श्री वास्तव जी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश, और इसके रचयिता कौन है, महेश श्रीवास्तव साहब, महेश श्रीवास्तव साहब। और आपको बता दूं कि मेरा मध्य प्रदेश, इसे मध्य प्रदेश का गान घोषित किया गया था कब, 26 जुलाई 2011 को, 26 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश शासन ने मेरा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का गान घोषित किया था, मेरा मध्य प्रदेश को। और इनकी महेश श्रीवास्तव साहब की एक बुक है जिसका नाम है प्रमाण, क्या है, प्रमाण मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि कई बार पूछ लेता है आपसे, आपसे पूछ लेगा कि प्रमाण मध्य प्रदेश किसकी पुस्तक का नाम है, और 4 लेखक दे देगा आपको, तो ये आप लोग आसानी से इसके बारे में भी याद रख पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को की बात करें तो खजुराहो,
ये भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस कई बार आपका क्या रहता है कि पूछ लेता है, क्या कर लेता है, पूछ लेता है आपका। तो खजुराहो जो आपका क्या है, यूनेस्को की 3 विश्व विरासत धरोहर है मध्य प्रदेश में। एक तो खजुराहो, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसे कब घोषित किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो 1986 में खजुराहो को विश्व विरासत स्थलों की सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। और एक आपका सांची, आप लोग सुनते हैं सांची भी है, एक कब घोषित किया गया था, 1989 में। और आप सभी जानते हैं कि एक आपका भीमबेटका है, भीमबेटका की गुफाएं देखी हैं आप लोगों ने, कभी गए हो तो बताइए आप लोग, इसे कब घोषित किया गया था, 2003 में। खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में, और भीमबेटका को 2003 में घोषित किया गया था। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए, इनके बारे में भी पूछ लेता है। मध्य प्रदेश पर्व के बारे में बता चुका हूँ कि जो मध्य प्रदेश का राज्य दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। और अब बात आती है आपकी मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्यों की, तो इनको पहले भी बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। एक बात और आपको बता देता हूँ, जब आप लोग इस तरह से लंबाई नापेंगे ना मध्य प्रदेश की, कहाँ से कहाँ तक, देखिए इस तरफ से, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से लेकर ऊपर, आप देखते हैं ना कि आपका मुरैना भिंड है, मुरैना भिंड से नीचे आप लोग यहाँ बुरहानपुर तक जब नापेंगे तो ये कितनी आपकी लंबाई है, उत्तर से, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेगी कितनी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यह है आपकी 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर, ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई मध्य प्रदेश की कितनी है, यह है आपकी 870 किलोमीटर। यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है मध्य प्रदेश 605 किलोमीटर लंबाई में, और पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है 870 किलोमीटर की, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, इसी मध्य प्रदेश के कई नाम हैं, आप देखिए इसे आप लोग हृदय प्रदेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और बता देता हूं कुछ पॉइंट फिर और आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग हृदय प्रदेश भी कहते हैं, हृदय प्रदेश, आप लोग इसे क्या कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, आप लोग इसे टाइगर, टाइगर स्टेट भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, बाघों का प्रदेश, ठीक है। इसे आप लोग सोया प्रदेश या सोया स्टेट भी के नाम से जानते हैं, इसे आप लोग डायमंड प्रदेश भी कहते हैं, डायमंड प्रदेश, क्योंकि हीरा आप देखते हैं पन्ना की खाने आप लोगों ने सुना होगा। इसे अब आप लोग लघु लघु भारत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लघु भारत भी कहते हैं। इसे आप लोग सेंट्रल सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं। तो ये सभी मध्य प्रदेश के अन्य नाम हो गए, इन्हें आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेता है कई बार, आपको चार ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में से इनका एक उपनाम है, और चार अन्य नाम देख देगा, या पूछ लेगा कि इनमें से एक मध्य प्रदेश का उपनाम नहीं है, तो आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। और मध्य प्रदेश से अगर हम लोग लगे हुए राज्यों की बात करें तो वो बता चुका हूं। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की अवस्थिति कितनी है, ये तो आना चाहिए ना क्वेश्चंस, मुझे लगता है, यानी कि कहने का मतलब है कि देशांतर और जो अक्षांश रेखा पर है मध्य प्रदेश की अवस्थिति कितनी है, मध्य प्रदेश की अवस्थिति की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर भारत की हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारत यहां से आप देखेंगे इतना, यहां से देखेंगे आप लोग यहां तक तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आप लोग देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट,
6 मिनट, उत्तरी अक्षांश से लेकर 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत फैला हुआ है, और देशांतर में अगर हम देखें तो पूर्वी देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री इसमें एक माफी चाहता हूँ वे सॉरी, ये मैं इसकी बता रहा हूँ। अगर भारत की अवस्थिति की बात करें, किसकी? भारत की अवस्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश की भी उसमें जोड़ दी मैंने और भारत की भी जोड़ दी। तो अगर मध्य प्रदेश की हम इसमें भारत की अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने को मिलेगा भारत की अवस्थिति है आपकी 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, कितना? 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में भारत देखने को मिलेगा। और यहां आप देखें अगर आप लोग देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है, भारत की बात हो रही है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की बात हो, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, और मध्य प्रदेश तो देखना ही चाहिए, आप सभी को देखना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसकी आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना? 21 डिग्री, कितना? मध्य प्रदेश, ये आप देखें 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर हम लोग पूर्वी देशांतर में इसकी इस विस्तार देखें तो 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर 59 मिनट से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या? पूर्वी देशांतर। ये है मध्य प्रदेश की अवस्थिति, ये आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से पूछ लेता है आप लोगों से, क्या कर लेता है? पूछ लेता है। तो यहां से अगर आप देखें, देखिए यहां की बात हो रही है, यहां से आप लोग देखेंगे तो ये है आपका, क्या है? ये है आपका, देखिए इसकी बात हो रही है, यहां से लेकर आपका मध्य प्रदेश यहां तक फैला हुआ है। तो ये पूर्वी आप देखेंगे तो आपका 74 डिग्री 59 पूर्वी मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 66 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर हम लोग इसका अक्षांश में विस्तार देखें मध्य प्रदेश का, तो यहां आप लोग देखने को मिलेगा, यहां आप देखेंगे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहां तक आपका देखेंगे आप लोग 26 डिग्री 23 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बड़े अच्छे से आप लोग समझ लीजिए इसमें। ठीक है, समझ लेना चाहिए कि नहीं समझ लेना चाहिए? समझना चाहिए, मुझे लगता है कि आप सभी को। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से आपकी करक रेखा होकर गुजरती है, कौन सी करक रेखा होकर गुजरती है? तो यहां आप लोग मैप में दिखा देता हूं, आप लोगों को मैप भी दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। तो इसमें आप देखिए एक करक रेखा आपकी ये जा रही है, पहले आप लोग राज्यों में देख लीजिए, गुजरात से जा रही है, राजस्थान से जा रही है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, और आप देखेंगे आपकी छत्तीसगढ़ से जा रही है, बिहार से भी, कहाँ से, झारखंड से भी जा रही है, और उसके बाद आप देखें तो आप पश्चिम बंगाल हो गया, और ये आपका त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, क्या हो गया? मेघालय हो गया ये। ठीक है, तो ये सभी राज्यों से होकर जाती है आपकी करक रेखा। अब यहाँ आप लोग देखें, यहाँ और कुछ भी पॉइंट आपकी मैंने भरे हुए हैं, आपको परेशान नहीं होना है, क्या होना है?
देखिए आपका यहाँ देख लीजिए, गुजरात गांधीनगर इसकी राजधानी हो गई, राजस्थान जयपुर हो गई, मध्य प्रदेश भोपाल हो गई, यहाँ से जा रही देखिए भोपाल के तो पास से इससे ही जाती है, छत्तीसगढ़ झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, पश्चिम बंगाल कोलकाता, और त्रिपुरा त्रिपुरा अगरतला और मेघालय, आइजोल माफ करिए मिजोरम, ठीक है मिजोरम है, आइजोल मिजोरम से होकर जाती है। ठीक है एक बार फिर से आप लोग याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है मेघालय तो आपका ये है आपका मेघालय। राज्यों को अगर आपको देखना है, वैसे राज्यों की आपका मैप जब हम लोगों ने आपकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को कवर कर रहे थे तो उस समय मैप का सहारा लेकर ही बताया गया था, लेकिन अब अगर आप लोग देखना चाहें तो ये पूरा मैप है हमारा। ठीक है आपके पड़ोसी हो गए श्रीलंका, यहाँ देखेंगे आप लोग म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश भूटान, ऊपर चाइना, ये नेपाल, ये आप देखेंगे पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है हमारे पड़ोसी हो गए हमारे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश की अगर राज्यों जिलों से अगर बात करें कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले रतलाम, चलिए रतलाम के बाद आप देखेंगे क्या, रतलाम हो गया आपका, रतलाम के बाद आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा उज्जैन, चलिए कहाँ उज्जैन चलिए, उसके बाद आगर मालवा, आइए आगर मालवा, उसके बाद आप लोग राजगढ़ देखिए कौन सा राजगढ़, उसके बाद आप लोग राजगढ़ से आप लोग सीहोर जाइए, सीहोर जाइए और भोपाल यहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, भोपाल के बाद आप देखिए कि आपका विदिशा भी है, और विदिशा के नीचे आप देखें तो यहाँ रायसेन से भी होकर जा रही है, कहाँ से रायसेन से भी होकर जा रही है, और उसके बाद आप देखें तो रायसेन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सागर से भी होकर जा रही है, करक रेखा आपकी सागर से भी होकर जा रही है, सागर के बाद दमोह से भी होकर जा रही है, और आप लोग दमोह के बाद यहाँ देखेंगे जबलपुर से भी जा रही है, और कटनी से भी जा रही है, और उमरिया से भी जा रही है, और शहडोल से जा रही है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राज्य 14 जिलों से आपकी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से आपकी करक रेखा होकर जाती है। एक बार फिर याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इनमें से किन राज्यों में आपकी करक रेखा नहीं जाती है, राज्यों के मामले में भी पूछ लेगा, और या पूछेगा आपकी अगर आपसे कभी एमपीपीएससी या इस तरह की किसी एग्जाम में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से आपकी करक रेखा नहीं होकर गुजरती है या होकर गुजरती है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, आपको बड़मानी दे देगा, धार दे देगा, बैतूल दे देगा और सागर दे देगा, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए सागर से जा रही है। इस तरह आप लोग एक बार और याद कर लीजिए, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, उसके बाद आप देखिए सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। और अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, आप समझ रहे हैं जिससे आप देखते हैं टाइमिंग आपकी निर्धारित होती है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर जाती है, तो सिंगरौली से, देखिए जा रही है या नहीं जा रही है, सिंगरौली से, कहां से सिंगरौली से, सिंगरौली से। और अगर आपसे पूछे कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये मध्य प्रदेश के आप किस जिले से जाती है, कितने जिलों से जाती है, तो एक ही जिले से जा रही है, आप सभी जान रहे हैं कि किससे जा रही है, ये जा रही है आपकी किससे जा रही है, सिंगरौली से होकर जा रही है, किससे जा रही है, सिंगरौली से होकर जा रही है। अगर आपसे पूछे कि आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है कितने राज्यों से जाती है, तो उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश, पांच राज्यों से ऊपर जाती है आपकी, ठीक है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, पांच राज्यों से आपके होकर जाती है, कौन सी कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा हूं, और करक रेखा कितने राज्यों से जाती है, तो देखिए 1 गुजरात 2 राजस्थान 3 मध्य प्रदेश 4 छत्तीसगढ़ 5 झारखंड 6 वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, 7 और मिजोरम 8, 8 राज्यों से आपकी करक रेखा जाती है और 5 राज्यों से आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जाती है, और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से आपकी करक रेखा जाती है,
और एक जिले से आपकी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये जाती है। तो ये सभी आपके हो गया। अब आपसे क्वेश्चन से भी पूछ लेता है, क्या पूछेगा आपसे, पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है। तो 5 राज्य हैं। क्या है? 5 राज्य हैं, देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश की कितने राज्य, कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है आप बताइए। तो 14 जिले आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से जिले हैं आप लोग यहां से शुरू कीजिए। देखिए यहां से भिंड, मुरैना से, तो आप देखेंगे मुरैना की भी लगती है, भिंड की भी लगती है आपकी, फिर आप देखें दतिया की भी लगती है, शिवपुरी की भी लगती है, और शिवपुरी के बाद आप देखेंगे अशोकनगर की भी लग रही है, और अशोकनगर के बाद आप लोग आइए सागर की भी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, टीकमगढ़ की भी लगती है, निवाड़ी की भी लगती है, और उसके बाद आप लोग छतरपुर की, पन्ना की भी लग रही है, पन्ना के बाद आप देखेंगे सतना की भी लग रही है, रीवा की लग रही है, और सीधी की भी लग रही है, और सिंगरौली की भी लग रही है। इस तरह से टोटल आपके, अगर हम लोग मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्यों की बात, मध्य प्रदेश से लगे या उत्तर प्रदेश से लगे, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं टोटल, 14 जिले, टोटल 14 जिले हैं। एक बार हम बता देते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किस राज्य की, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती है, या पूछ लेगा नीचे दिए गए जिलों में से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह के जो भी आपके दिमाग में डाउट रहते हैं क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि आपका राजस्थान है, तो राजस्थान से कितने जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले आप ये, आप कहाँ कहाँ आप लोग चलिए मुरैना पे, यहां से शुरू करिए मुरैना, उसके बाद आप देखेंगे शिवपुर, शिवपुरी देखिए राजस्थान से लग रही है, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। इन 10 जिलों की सीमा आपकी राजस्थान से लगती है। कितने? ये यूपी, यूपी से हो गए, और 10 जिलों की सीमा आपकी राजस्थान से हो गई। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान से लगे हुए राजस्थान से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिलों की, तो मुरैना, शिवपुरी, शिवपुरी, शिवपुर, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। महाराष्ट्र से कितने, महाराष्ट्र से कितने राज्यों की, कितने जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र की बात हो रही है, ये आपको महाराष्ट्र देखने को नीचे मिल जाएगा। इसमें आप लोग यहां से शुरू करिए अलीराजपुर, उसके बाद आप जी आइए बड़वानी, उसके बाद आइए आप लोग खरगोन, खंडवा, देखिए खंडवा की भी लग रही है, बुरहानपुर की भी लग रही है, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। इस तरह से टोटल आपके 9 जिले हैं मध्य प्रदेश के। कितने? 9 जिले जिनकी महाराष्ट्र से सीमा लगती है। फिर से एक बार आपको बता देता हूं, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुजरात को क्यों छोड़ दिया, तो गुजरात की भी जान लेते हैं। गुजरात से कितने जिलों की सीमा लगती है हमारे मध्य प्रदेश के। तो आप देखिए, एक तो आपका झाबुआ हो गया, एक अलीराजपुर हो गया, झाबुआ और अलीराजपुर, यानी कि 2 जिलों की सीमा लगती है हमारी गुजरात से। अब छत्तीसगढ़, जो हमारा ही हिस्सा था सन 2000 के पहले, कितने जिलों की सीमा लगती है। तो आप देखिए, यहां देखिए आप लोग देखिए, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। तो एक आप देखेंगे टोटल 6 जिलों की सीमा लगती है आपकी छत्तीसगढ़ से। फिर से बता देते हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। सर्वाधिक सीमा आपकी देखिए उत्तर प्रदेश से लगती है, आप सभी जानते हैं। सबसे कम आपकी अंतर्राज्यीय सीमा किससे है? गुजरात से 2 जिलों की मात्र सीमा लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और एक क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछे, तो आप लोगों को अगर पूछे आपसे कि अभी तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जिले देख लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से लगती है, तो याद रखिए आपकी 13 जिलों की सीमा, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इनमें आपको बता देता हूं, आप लोग याद रख लीजिए, एक दो बार सुन लीजिए, आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौर, इलाहाबाद, इलाहाबाद को आप लोग प्रयागराज के नाम से भी जानने लगे, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट। एक बार फिर से सुनिए आप लोग, आगरा, इटावा, उरई, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, ये उत्तर प्रदेश के 13 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, तो 10 जिलों की सीमा, राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इनमें कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारान, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली। अब आपके मन में आ रहा होगा कि महाराष्ट्र के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 9 जिलों की, महाराष्ट्र के 9 जिले आपकी मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं, धुले, भुसावल, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुलढाणा, जलगांव, नंदुरबार, गोंदिया। गुजरात की बात करें, तो याद रखिए गुजरात के 2 जिले की सीमा हमारे मध्य प्रदेश से लगती है, कितने? 2। इसमें आप देखेंगे कि एक तो आपका बड़ोदरा है, एक दाहोद है। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, तो 7 जिलों की सीमा, छत्तीसगढ़ के 7 जिले हमसे लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, हम मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें आप देखेंगे बांसवाड़ा हो, क्या हो गया, सूरजपुर हो गया, कोरिया हो गया, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, बलरामपुर, राजनंदगांव। फिर से एक बार सुन लीजिए, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ तो आपका ही हिस्सा हुआ करता था पहले, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली, बिलासपुर, कबीरधाम, बलरामपुर, राजनंदगांव, ये सभी आपके हो गए जिले। तो ऐसे भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 14 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उत्तर प्रदेश के 13 जिले आपके मध्य प्रदेश से लगते हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं, सीमा लगती है, और राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के 9 जिले लगते हैं सीमा, और 9 ही महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश से लगते हैं, गुजरात से 2 लगते हैं, गुजरात के 2 मध्य प्रदेश से लगते हैं, छत्तीसगढ़ से 6 जिलों की सीमा लगती है, और छत्तीसगढ़ के 7 जिले आपके मध्य प्रदेश को छूते हैं। तो ये कहानी निपट गई आपकी। अब एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, इस तरह के क्वेश्चन से भी कई बार पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के मामले में छोटा राज्य, छोटा जिला, बड़ा जिला, लिंगानुपात में सबसे अच्छा लिंगानुपात किसका है, सबसे कम लिंगानुपात किसका है, सर्वाधिक यानी कि आप सोचिए जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर साक्षरता में पूछ लेता है। तो ये आपको स्क्रीन के सामने आपकी दिखाई दे रहा है आपको मध्य प्रदेश का मैप। तो हम लोग सबसे बात करते हैं लिंग अनुपात की। सबसे पहले लिंग अनुपात कहने का मतलब होता है कि वहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश की अगर सबसे बेहतर लिंग अनुपात वाले जिले की बात करें कि सबसे अच्छा लिंग अनुपात किसका है, सर्वाधिक लिंग अनुपात, तो बालाघाट का। किसका? बालाघाट का, ये आप लोग याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्लस में यानी कि आप सोच लीजिए लिंग अनुपात किसका है सर्वाधिक, बालाघाट का, सबसे कम किसका है, तो याद रखिए न्यूनतम लिंग अनुपात भिंड का है। किसका है? भिंड का है। देखिए ये भिंड, ये आपका बालाघाट। अब आपसे पूछे कि छोटा क्षेत्रफल में छोटा जिला और क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका जिला है छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा। आप सभी जानते हैं कि यहां से कमलनाथ आते हैं, नकुलनाथ, ठीक है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में तो निवाड़ी, जो आपका आप सभी जानते हैं कि नया जिला बना है, निवाड़ी भी कहते हैं, निवारी भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब बात आती है कि साक्षरता के मामले में सबसे अच्छी साक्षरता किसकी है, तो जबलपुर। किसकी? जबलपुर। सबसे कम न्यूनतम साक्षरता की बात कर रहा हूं, अलीराजपुर, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा निवाड़ी, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट, सबसे कम लिंगानुपात न्यूनतम भिंड,
सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर, सबसे कम साक्षरता न्यूनतम अलीराजपुर। अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो याद रखिएगा, इंदौर की है। किसकी है? इंदौर की है। सबसे कम किसकी है? तो निवाड़ी की है। एक बात आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, क्षेत्रफल में भी छोटा है निवाड़ी और जनसंख्या के मामले में भी सबसे कम संख्या निवाड़ी की है, नए जिले की है आपके, जो 52वां जिला बना था। ठीक है, तो इसकी देखने को मिलेगा। एक और आपसे पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि किस क्षेत्र में आप देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वर्ग किलोमीटर में आप देखते हैं कि इसे इसकी तुलना की जाती है यानी कि देखा जाता है इसे। तो आप देखेंगे कि सर्वाधिक आपका जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। किसका है? भोपाल का है। यानी सोचिए आप लोग कि इसका मतलब ये होता है कि वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। भोपाल में आप देखेंगे 855 लोग करते हैं निवास, समझ रहे हैं आप लोग। और सबसे कम किसका है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का। एक क्वेश्चन देखिए, एक जानकारी सामान्य जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस माने जाते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भोपाल आपने देख ही लिया था, ठीक है, भोपाल और डिंडोरी आप लोगों ने देख ही लिया, तो ये भी कहानी आपकी खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि काफी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, आपने देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की तमाम राजधानियां हैं, यानी कि एक तो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, लेकिन आपने पूछा होगा, पूछ लेता है आपसे कि मध्य प्रदेश राज्य की संगीत 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 राजधानी, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है बताइए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि ये है आपकी मेहर। सतना नाम सुने हैं आप लोग? मेहर, ठीक है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर। मध्य प्रदेश की मैग्नीज, क्या? मैग्नीज राजधानी, राजधानी छोटे अक्षर होंगे लेकिन देखना है आपको, सुनना है आपके पास, तो सुनाई भी दे रहा है, भगवान ने दो सुंदर से कान दिए हुए हैं। तो बालाघाट है, बालाघाट है, क्या? मध्य प्रदेश राज्य की मैग्नीज राजधानी। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी, क्या है ऊर्जा राजधानी? यह बेडन, ये कहाँ है? सिंगरौली में। अगर कभी बेडन ना दिया गया हो, सिंगरौली दिया हो, तो सिंगरौली पर भी आप लोग लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, आप संस्कार की बात तो करते रहते हैं, संस्कार राजधानी क्या है इसकी? जबलपुर, जबलपुर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी, कोयला राजधानी क्या है? कोयला राजधानी सिंगरौली। ठीक है, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की आपकी खेल राजधानी भी पूछ लेता है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है? खेल राजधानी इंदौर, इंदौर। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की, व्यावसायिक राजधानी आप जानते हैं कि आपकी क्या है? व्यावसायिक राजधानी इंदौर ही है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकाल राजधानी क्या है? पचमढ़ी, पचमढ़ी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक बार बोल देता हूं, सुन लीजिएगा कि मध्य प्रदेश की
अगर ग्रीष्म काली राजधानी की बात करें तो पचमढ़ी है, वैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, व्यवसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर है, खेल राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर है, कोयला राजधानी मध्य प्रदेश की सिंगरौली है, संस्कार राजधानी मध्य प्रदेश की जबलपुर है, न्यायिक राजधानी भी आपकी जबलपुर है। क्या? न्यायिक राजधानी भी जबलपुर है, ठीक है, और आप देखेंगे संस्कार राजधानी भी जबलपुर हो गई, ऊर्जा राजधानी बेडन सिंगरौली में, मैग्नीज मैग्नीज आपकी राजधानी बालाघाट में, संगीज राजधानी आप देखेंगे ये भी आपकी बालाघाट में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर है। किस पा? दूसरे नंबर पर है, पहले आपका पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब समय बदल चुका है और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्षेत्रफल के बारे में और याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की बात हो रही है, सब कुछ बता चुका हूं, क्षेत्रफल और जान लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है वर्तमान में? 3,08,252, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है ये, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको, जो टोटल भारत का क्षेत्रफल है ना, उसका 9.38% एक तरह से है हिस्सा मध्य प्रदेश का, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वैसे आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो आप देखते थे ना, मध्य प्रदेश के 30.47, मध्य प्रदेश के 30.47% भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, ठीक है, और ये क्षेत्रफल था छत्तीसगढ़ का, क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये अगर आपसे क्वेश्चंस कभी पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणतम जिला कौन सा है, मध्य का कौन सा है, तो सागर सबसे बीच में माना जाता है, सबसे उत्तरतम जिला उत्तर में आप देखेंगे तो मुरैना हो गया, सबसे दक्षिणतम जिला बुरहानपुर हो गया, सबसे पूर्वी पूर्वोत्तम जिला सिंगरौली हो गया, सबसे आपका पश्चिमतम जिला अलीराजपुर हो गया, तो इन्हें सबको याद रखिएगा। होता कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस पूछ लेता है, और जब ये क्वेश्चंस गलत हो जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में भी आ जाता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है एक एक क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के लिए, जब एक नंबर एक क्वेश्चंस की वजह से किसी का सिलेक्शन रुक जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं, ये भी पूछ लेता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो एक तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में होगा, अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मंगलनाथ उज्जैन में है। अगर आपसे कभी पूछ रहा है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो मंगलनाथ उज्जैन में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का केंद्र बिंदु ये वर्शाली, वर्शाली बैतूल में, ठीक है, वर्शाली बैतूल में है ये आपका, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु, यानी कि जब तक आप देखते हैं कि भारत एक था, पाकिस्तान अलग नहीं था आपका, समझ रहे हैं आप, तो उस समय आप देखिए कि करौंदी कहाँ, करौंदी ये कहाँ देखने को मिलेगा, एक कटनी में, ये आपका अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु था। वर्तमान में भारत का केंद्र बिंदु ये विदिशा में है, कहाँ है, विदिशा में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का अगर केंद्र बिंदु आपसे पूछे तो आप सभी जानते हैं कि सागर है, ये तो क्या है, सागर है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन में, अखंड भारत का केंद्र बिंदु वर्शाली बैतूल में, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी में, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा में, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में, मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, राजस्थान। मध्य प्रदेश से लगा राज्य सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है।
भोपाल से अगर हम लोग सबसे दूर पे कौन सा जिला है? भोपाल से मान लीजिए, देखिए मानना क्या है, आपके सामने मैप है, ये भोपाल है आपकी राजधानी, इससे सबसे दूरी पर कौन सा जिला स्थित है? यहां देखिए आप लोग, सिंगरौली। कहा है? सिंगरौली। ये कितना है, कितना है बताइए, कुछ बता पाओगे या नहीं? ये आप देखेंगे 780 किलोमीटर दूर है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम लोग सिंगरौली और भोपाल के बीच की दूरी देखें तो 780 किलोमीटर, यानी कि अगर सिंगरौली की लोगों को, सभी जिलों में बात करें कि लोगों को अगर जल्दी पहुंचना है भोपाल, तो सबसे टाइम ज्यादा लगेगा सिंगरौली की लोगों को, क्योंकि उनकी दूरी दूर है। और भोपाल से लगे हुए, भोपाल जिले से लगे हुए अगर हम लोग जिलों की बात करें, तो आप देखिए आपका गुना भी लगा है इससे, विदिशा भी इसकी सीमा से लगा हुआ है, रायसेन भी लगा हुआ है, सीहोर भी लगा हुआ है, और राजगढ़ भी लगा हुआ है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, पूछता है या नहीं पूछता है, ऐसे ही बता रहा हूँ, तो आप लोगों को यह भी याद होना चाहिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला, देश देश में सबसे दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। अगर मध्य प्रदेश को अलग देश बनाए तो आप समझ रहे हैं, इजराइल से बड़े होंगे क्षेत्रफल में, और श्रीलंका से भी बड़े होंगे आप लोग। मध्य प्रदेश में तीन भौगोलिक प्रदेश तो भी देखते हैं आप लोग, कौन से? मध्य प्रदेश में तीन, मध्य प्रदेश को तीन भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया, भौगोलिक कौन कौन से नाम बता रहा हूं, आगे देखिए भूगोल में हम लोग सब पढ़ेंगे, जब मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे ना तो वहां विस्तार से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का जो भौतिक प्रदेश कह लीजिए या भौगोलिक प्रदेश, इसमें आप देखेंगे मध्य, मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च उच्च प्रदेश, या फिर दूसरा है सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकलसैंण, और फिर एक है आपका बघेलखंड का बघेल पठार। बघेलखंड का पठार, तो ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे कई बार पूछ लेता है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और भारत की आप लोगों से पूछना है, क्योंकि आप देखिए भूगोल को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं भारत के, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप लोग बताइए कौन सी है, लेकिन मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी, या सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये आप देखेंगे धूपगढ़ है, धूपगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर, 1350 मीटर है। ये आप लोगों को महादेव सैनी में देखने को मिलेगा, कहाँ? महादेव, महादेव सैनी में, सतपुड़ा पर्वत पर, महादेव सैनी में सतपुड़ा पर्वत पर। एक क्वेश्चन की भी कई बार पूछ लेता है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, ये महादेव सैनी में देखने को मिलेगी सतपुड़ा पर्वत पर, तो ये भी याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन और पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना पर्वतमाला कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वतमाला, पर्वतमाला कौन सी है? तो ये याद रखिएगा आपकी है विंध्याचल, क्या है? विंध्याचल, विंध्याचल, और सबसे नई नवीनतम सतपुड़ा, कौन सी? सतपुड़ा। सबसे पुरानी प्राचीनतम पर्वतमाला विंध्याचल है, और सबसे नई पर्वतमाला सतपुड़ा है। भारत की बताइए आप लोग, सबसे नई पर्वतमाला कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है, और ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्य भगवान कहाँ उगते हैं, आते हैं, तो याद रखिए सिंगरौली में, ठीक है, और सबसे बाद में अलीराजपुर में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में वैसे आपको बता चुका हूं कि
फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में। क्या संभाग कौन सा है? जबलपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर। सबसे बड़ा जिला डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। देखिए पिला से, यानी कि आप सोचिए सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में संभाग माइनस, ये है आपका शहडोल। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला निवाड़ी। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, संभाग याद रखिएगा, यह है आपका इंदौर। इंदौर सबसे छोटा माइनस, यानी कि सबसे छोटा शहडोल। तो एक बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा जिला शहडोल है, और जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला शहडोल है, और डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, ये आप देखेंगे कि इंदौर सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में नहीं, क्या में, जनसंख्या में, और सबसे छोटा निवाड़ी। तो एक बात और समझ में आ गई है कि निवाड़ी क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या में भी छोटा जिला है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, और ये आप देखते हैं कि मंडला और आपका बालाघाट में फैला हुआ है। सबसे छोटा जीवाश्म उद्यान है, ये शाहपुरा और डिंडोरी में फैला हुआ है, जीवाश्म उद्यान। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्या रहता है लेकिन कि क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, और एक और क्वेश्चन पूछ लेगा, सबसे निचली घाटी नर्मदा सोन की घाटी है, और सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, नदी सबसे लंबी नदी ये है नर्मदा, नर्मदा मैया। कितनी इसकी लंबाई है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। एक पूछ लेता है कि सर्वाधिक लंबा सड़क पुल मध्य प्रदेश का कौन सा है? सर्वाधिक लंबा सड़क पुल मध्य प्रदेश का तवा पुल, तवा पुल ये कहाँ, किस जिले में देखने को मिलेगा? होशंगाबाद में, होशंगाबाद में, तवा नदी पर है, एक बात याद रखिएगा। ठीक है, और विधानसभा, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो जबलपुर में। कितनी है जबलपुर में विधानसभा सीटें हैं आपकी? 9। जबलपुर जिले से 9 विधायक चुनकर आते हैं। सबसे कम उमरिया, देखिए आप लोग, उमरिया से 2, उमरिया से 2, अनूपपुर से 2, अनूपपुर से 2, हरदा से 2, हरदा से 2, अशोकनगर से 2, अशोकनगर से 2, डिंडोरी से 2, और निवाड़ी से भी 2। एक तो पृथ्वीपुर और एक आप देखते हैं कि निवाड़ी खुद है, इन सभी जिलों से दो दो सीटें हैं। ठीक है, विधायकों की सबसे ज्यादा आपकी 9 जबलपुर से। साक्षरता में बता ही चुका हूं कि सबसे बड़ा जिला आपका, साक्षरता के मामले में जबलपुर अच्छी स्थिति में है, अलीराजपुर की सबसे बुरी स्थिति है, लिंग अनुपात में बालाघाट सबसे अच्छी स्थिति में है, और भेंटर सबसे बुरी न्यूनतम है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या ये भी याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो पचमढ़ी महादेव पर्वत में होती है, यहाँ एक सबसे ज्यादा 199 सेंटीमीटर की लगभग, भिंड में सबसे कम 55 सेंटीमीटर के करीब। तो ये छोटी बातें हो गई, मोटी बातें हो गई, लेकिन आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में जिलों के बारे में जरूर क्वेश्चंस पूछेगा कि कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में। तो आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, जिलों की संख्या है 52,
ठीक है। और तहसीलें आप देखिए बदलती रहती हैं, और इसलिए जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय आप लोग जरूर देख के जाया करिएगा। क्या करके जाया करिएगा? देख के जाया करिएगा। और मुझे लगता है कि पेपर देने के समय आप लोग करंट अफेयर्स तो पढ़ते होंगे मध्य प्रदेश के बारे में, तो उसे आप लोग पढ़िएगा। विकासखंड, वही अगर हम लोग विकास विकास विकासखंड की बात करें, विकासखंड कितने हैं मध्य प्रदेश में? विकासखंड 313। और अगर आदिवासी विकासखंड, मध्य प्रदेश में आदिवासी विकासखंड ये है आपके 89, 89। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, अभी तो आप देखते हैं कि 2011 की जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी नई जनगणना के आंकड़े आए ही नहीं है, हो ही नहीं पाई कोरोना महामारी के कारण। तो अगर आपसे पूछे कि नगर कितने हैं मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से, नगर की संख्या तो यह है 476। कितनी? 476। वहीं अगर आपसे पूछे कि क्या पूछे, नगर निगम, तो याद रखिए 16 नगर निगम, 16 नगर निगम की संख्या कितनी है? 100 ग्राम 16। नगर पालिकाएं क्या? नगर पालिकाएं कितनी है? 98, 98। नगर पंचायतें, नगर पंचायतें ये आप देखेंगे 272, 272। ग्राम पंचायतें, आप सभी जानते हैं कि देखिए सबसे नीचे आप देखते हैं ग्राम पंचायतें, फिर आप देखते हैं नगर पंचायतें, फिर नगर पालिकाएं, फिर नगर निगम। ग्राम पंचायतों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी 22,000, 22,812। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये भी बदलती रहती हैं, नई नई पंचायतों का गठन होता रहता है, तो जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय जरूर अपडेट होकर जाया करिएगा। जनपद पंचायतें, जनपद पंचायतें, जनपद पंचायतों के चुनाव होते रहते हैं यानी, तो जनपद पंचायतें भी 313 आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिला पंचायतों की बात करें तो देखिए जिला पंचायतों के कारण विवाद भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि निवाड़ी जब से जिला बना हुआ है, पहले 51 थी, लेकिन निवाड़ी में भी आपकी जिला पंचायत बनाई जाएगी तो टोटल 52 हो गए, ठीक है। उसमें विवाद था, आप देख रहे थे चुनाव नहीं हो पा रहा था वहां अलग से, तो वहां भी चुनाव के लिए तो 52 हो गई। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम ये कितने हैं मध्य प्रदेश में? 53। फिर आपसे पूछेगी छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड ये आप देखेंगे 5, 5। अगर आपसे पूछेगी जॉन आईजी पुलिस के, जॉन आईजी कितने हैं? 11। रेंज, ये डीआईजी की बात हो रही, DIG पुलिस वाले, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कितने हैं? 15। कितने? 15। तो ये हो गया। तो फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है? लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि 29 है। क्या है? 29 है। राज्यसभा में मध्य प्रदेश से कितनी सीटें हैं ये आप देखेंगे 11 आपको देखने को है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में ये आप देखेंगे 230 हैं। जो देखिए लोकसभा सदस्य जो 29 हैं इनका चुनाव आप देखते हैं कि डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा सदस्य का, और अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव होता है एमएलए के द्वारा, विधायकों के द्वारा। और उम्र अगर आप लोगों राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम आयु। और देखिए विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के लिए 25 साल रखी गई कम से कम,
उम्र अगर चुनाव लड़ना है और वोट करने के लिए 18 साल रखी गई, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है? याद रखना चाहिए या नहीं? अब बात आती है मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है, क्या जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, टोटल जनसंख्या की बात करें तो देखिए अभी तक 2011 की जनगणना को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी नई आई नहीं है, अभी 2021 की हो भी नहीं पाई। जनसंख्या, जनसंख्या की बात कर रहा हूं, तो इसमें आप देखेंगे 7 करोड़ 26 लाख 26,809 टोटल जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। ये इसमें से अगर आप देखें पुरुषों की यानी कि मेल पुरुष, ठीक है, तो 3,76,12,306, और इसमें अगर फीमेल की देखें यानी कि महिलाओं की, तो आप देखेंगे 3,50,14,503 महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम है, ये आप सभी जानते हैं। अगर इसी में हम लोग ग्रामीण देखें, शहरी और ग्रामीण, अगर ग्रामीण हो गई है और शहरी जनसंख्या, शहरों में कितनी जनसंख्या निवास करती है, गांव में कितनी करती है, तो आप देखेंगे कि 5,25,57,404 लोग आप देखें गांव में करते हैं निवास। और आप सभी जानते हैं कि गांव की क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी, लोग गांव की तरफ ज्यादा रहते हैं अभी भी। और 2,69,405 लोग शहरों में रहते हैं, शहरों में कम ही निवास करती है। और इस टोटल जनसंख्या में से अगर हम लोग अनुसूचित जाति की बात करें, यानी कि अनुसूचित जाति कहने का मतलब होता है कि SC, अनुसूचित जाति, तो 15.60% आपकी अनुसूचित जाति की संख्या है, और अनुसूचित जनजाति की यानी कि ST की, और तो देखेंगे 21.10% आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही निवास करती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, क्या करते हैं पूछ लेता है कई बार, क्या पूछ लेता है या नहीं पूछता है आपसे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या जनसंख्या संख्या घनत्व घनत्व कितना है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, तो आप देखेंगे आपका मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, समझ में आ रहा है, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत का कितना है आप लोग नीचे लिखिएगा, आपके पास गूगल साहब हैं, गूगल बाबा, उनसे पूछ लीजिए, उनसे भी पूछिएगा। अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात कितना है, तो याद रखिए 931 है, 1,000 पुरुषों की संख्या में 931 महिलाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की कितनी कमी है। और भारत का कितना है आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों को बताना चाहिए, या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते हैं, तो ये भी हो गया आपकी कहानी, क्या हो गया, ये भी आपका कहानी खत्म हो गई। एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार मैंने देखा है, और ये कि जो लोकसभा सीटें हैं 29, जो लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं, इनमें से आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए आरक्षित सीटें हैं 4 मध्य प्रदेश में, और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं, कितनी 6। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी SC के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं,
और विधानसभा में आप लोग 230 देख रहे हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 35। और अनुसूचित जनजाति के लिए आप देखिए 47। कितना? 47। एक बात और याद रखिए, मतलब आरक्षित सीट होने का मतलब है कि उन्हीं जाति के लोग लड़ सकते हैं इस पर चुनाव, और उनकी दिशा, अगर आर्थिक स्थिति को, उनकी स्थिति को देखते हुए ये सभी व्यवस्था की जाती है, आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। और समझ रहे हैं उनके साथ किस तरह का भेदभाव रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, मैंने देखा है इसलिए आप लोगों को बता दिया है। और आप सभी से एक क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कहाँ है, मुख्य पीठ कहाँ है उसकी, उच्च न्यायालय की? तो आप सभी जानते हैं जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक है। और इसकी खंडपीठ है, खंडपीठ, खंडपीठ एक कहाँ है? एक तो इंदौर में आप देखते हैं इसकी खंडपीठ है, एक आपकी ग्वालियर में भी है, ग्वालियर में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपसे कुछ पॉइंट और बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, प्रथम, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल साहब की बात कर रहा हूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, सीता रमैया एक होते मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। आप अपने राज्यों में बताइए आप लोग कि आप अगर किसी और राज्य से संबंध रखते हैं तो वहां कौन से राज्यपाल पहले राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम श्री पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित, पंडित कुंजीलाल दुबे। कौन? कुंजीलाल दुबे, दुबे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, सीएम साहब। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात हो, विधानसभा में अध्यक्ष भी तो देखते हैं, विधानसभा में अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित, एक माफी चाहते हैं आपसे, मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री की बात हो, इस तरह का अगर कभी गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोग फिर भी गलती छोड़ के अगर मैं बैठ जाता हूं आगे, तो आप लोग उसे सुधार के थोड़ा विस्तार से नीचे लिख दिया करेगा कि अगर कोई आपका दोस्त अगर देखता है, हमारी फैमिली का कोई मेंबर, तो उसे सही जानकारी मिल सके। तो मुख्यमंत्री थे पंडित, पंडित, पंडित जी दो ही थे, पंडित रविशंकर, रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल पहले, विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे। और याद रखिए, विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो आप लोगों ने देख लिया कौन है, पंडित कुंजीलाल दुबे। अगर हम लोग विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो आप देखेंगे विष्णु, विष्णु विनायक, विनायक सरवटे पहले एक कौन थे, उपाध्यक्ष थे मध्य प्रदेश विधानसभा के। तो ये भी आप याद रखना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश का महिला राज्यपाल की पूछ लेता है कि पहली महिला, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो आप सभी जानते हैं कि सुश्री सरला गेवाल, सरला, सरला गेवाल।
मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला, सीएम महिला मध्य प्रदेश की, तो इन्हें तो आप सभी जानते हैं, उमा भारती, एक हिंदुत्ववादी नेता हैं उमा भारती, और बोलने में काफी अच्छी हैं, ठीक है, जो सच होता है सच बोलती रहती हैं और डरती नहीं है अपने नेताओं से भी, इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी नेताओं से कुछ से बनती भी नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रथम महिला राज्यपाल सरला गेवाल साहब और उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी आदिवासी सीएम, आदिवासी मुख्यमंत्री सीएम, मुख्यमंत्री कौन थे आदिवासी, तो राजा नरेश चंद, राजा नरेश चंद, नरेश चंद्र साहब, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश, न्यायाधीश ये थे, देखिए मोहम्मद मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम महिला न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश कौन थी मध्य प्रदेश की, श्रीमती श्रीमती सरोजनी सक्सेना, सरोजनी सक्सेना, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना। आप सचिव भी देखते होंगे, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे चल के आप लोग भी मुख्य सचिव बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव बताइए इनका नाम क्या था मुख्य सचिव का, तो एच एस, क्या है, HM कामत। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव का नाम क्या था, HM कामत। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि मुख्य सचिव, पहली महिला मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव ये कौन थे, महिला मुख्य सचिव, तो ये थी श्रीमती निर्मला बुच, निर्मला बुच, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, ये हमारी भूल होती है कि हम उन्हें कमजोर समझते हैं। आप देखते हैं कि आप लोगों ने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में सुना होगा, इसी तरह आप देखते हैं कि आपका हर राज्य में भी निर्वाचन होता है, आयोग होता है जो आपके स्थानीय चुनाव करवाता है, जैसे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका है, पंचायतों के, और जो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव आयोग होता है वो आप देखते हैं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, लोक राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव करवाता है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की प्रथम निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, बताइए कुछ आपको मालूम हो तो, आयुक्त कौन थे, निर्वाचन आयुक्त, तो ये थे एन बी लोहानी साहब, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ला, राज्य सूचना आयोग, आयुक्त के बारे में सुने होंगे आप लोग, राज्य सूचना आयोग के बारे में सुने हैं आप लोग, तो सूचना मुख्य सूचना आयुक्त, मध्य प्रदेश का पहला सूचना आयुक्त कौन था, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये थे आपके टी एन श्रीवास्तव, श्रीवास्तव साहब, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पुलिस महानिदेशक भी आप लोग सुनते होंगे, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक कौन थे, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक ये थे बीपी दुबे, बीपी दुबे। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक, महानिरीक्षक
निरीक्षक। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक ये थे बीजी घाटे साहब, बीजी घाटे, ठीक है, ये आप लोग बीजी घाटे साहब। अगर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी मध्य प्रदेश में, प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी मध्य प्रदेश में कौन थी, ये आशा गोपालन। कौन थी? आशा गोपालन। मध्य प्रदेश की पहली क्या प्रथम भारतीय पुलिस सेवा महिला अधिकारी थी मध्य प्रदेश में, आशा गोपालन। लोक आयुक्त के बारे में भी आप लोग सुने होंगे, प्रथम लोकायुक्त कौन था? लोकायुक्त, लोकायुक्त, या आप देखिए कि लोकपाल कहा जा रहा था कि लोकायुक्त आ जाएगा, लोकपाल बन जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम लोग तो यही समझने लगे थे कि कोई जादू की छड़ी आएगी कि सब कुछ खत्म एक बार में, लेकिन आपने देखा है लोकपाल का गठन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। देखिए, जब तक सभी लोग भ्रष्टाचार में एक तरह से हटाने में शामिल नहीं होते हैं, और घर से ही आप देखें भ्रष्टाचार शुरू होता है और दुनिया भर में फैलता रहता है, भ्रष्टाचार करने वाला भी, रिश्वत लेने वाला भी उतना ही दोषी है जितना हम लोग देने वाले हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आजकल बिना पैसे के कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर तहसील में जाइए आपको 10 जगह घुमाएंगे, समझ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग पैसा देने लगते हैं। पीवी दीक्षित, पी बी दीक्षित, ये कौन है? ये लोकायुक्त है मध्य प्रदेश के पहले, ठीक है। प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष, प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष ये थे आपके, देखेंगे कि प्रकाश प्रकाश चंद सेठी, चंद सेठी साहब, ठीक है। ये कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी साहब कौन थे? प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष, प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अगर हम लोग बात करें लोक सेवा आयोग, आप लोग देखते हैं ना, तो ये थे डीवी डीवी रेड्डी। कौन? प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डीबी रेड्डी। आप लोग देखते होंगे कि आप विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी होता है, तो मध्य प्रदेश में अगर प्रथम प्रतिपक्ष नेता की बात करें तो ये थे विष्णु विष्णु नाथ तामस्कर। ये आप देखते हैं कि आपके विधानसभा विपक्ष के नेता थे, प्रतिपक्ष, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला विपक्ष नेता कौन थी मध्य प्रदेश में, तो ये जमुना देवी, जमुना देवी, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली प्रतिपक्ष नेता हुई जमुना देवी। अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, एक कई बार पूछ लिया है, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, क्योंकि शुरुआत सालों में आप देखिए किस पर कांग्रेस का ही सब जगह आप देखते थे दबदबा रहा था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ समय के बाद कांग्रेस से लोग क्या होने लगे, प्रॉब्लम होने लगी उन्हें, तो वो दूसरा विकल्प चुनने लगे। और आप देखिए आजादी के समय आप सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी, तो कुछ सालों तक आप देखिए 1975 तक तो कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, उसके बाद आप देखें कुछ परिवर्तन आया, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, इंदिरा गांधी भी उस समय आपने देखा होगा चुनाव हार गई थी अपनी सीट। तो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे बीरेंद्र बीरेन बीरेन कुमार सकलेजा, सकलेजा, ये भी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या था? तो हरि विनायक विनायक पाटस्कर। ये सबसे लंबे समय तक आप देखिए कि इनका कार्यकाल पद रहा है सर्वाधिक समय तक। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय हो गया, इससे दूसरी जुड़ी हुई क्लास आपकी रहेगी। आप लोगों से पहले भी बोला हुआ है कि क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरह के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय से, कितने तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, उन पर हम लोग एक आपको कह सकते हैं आप लोग कि इस क्लास को आप लोग जब पढ़ लिया करेंगे हर क्लास को, तो उसके बाद एक मॉक टेस्ट रखा जाएगा, उसमें आपके लिए 5 से 6 सेकेंड का समय दिया जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा,
और आप लोगों को अगर आता हो तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख दिया करिएगा, वरना मैं तो है ही हैं जो सही आंसर बताएंगे ही। ठीक है, आप अपना सुझाव दीजिएगा। ये नई सीरीज एक तरह से चालू की हुई है, तो थोड़ा आप लोगों को भी मदद करनी होगी, और मैं तो आपके साथ जुड़े ही हुए हैं, तो कुछ कमी रह जाए, कुछ सुझाव हो आपके कि और बेहतर तरीके से इन क्लासों को हम लोग चला सकते हैं, तो इस पर सभी आप लोग सुझाव दे सकते हैं। फेसबुक पेज के माध्यम से कमेंट के नीचे आप लोग सुझाव दे सकते हैं, जीमेल के जरिए भी आप लोग सुझाव दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहां आप लोगों को सुविधाजनक लगे आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग दूसरी क्लास में पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक तरह से मॉक टेस्ट, कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे राज्य का गठन किस तरह से हुआ, पुनर्गठन किस तरह से हुआ, इस पर एक विस्तार से क्लास रखेंगे हम लोग, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है,